ये है स्वीडिश। वाह, खत्म खत्म। अब से हम लोग ही बनाएंगे खाना और कोई नहीं बनाएगा। थैंक यू। स्वागत है आपका एक और नए दिन में। आंखें नहीं खुल रही हैं और यहाँ भी बबू भी। अब अभी तो तू जागा था, एकदम से कैसे सो गया? थोड़ा सिस्टम हिल गया है। सो जा सो जा। क्या बन रहा है भाभी? राजमा, सॉरी ये राजमा बन रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि सब्जी नहीं थी कोई भी, और 2 दिन बाद हम इनको निकालने लगे हैं। अब आज लास्ट दिन है, कल नहीं आना आपने? आपने तो बोला था कल 13 को भी आना है, आपने बोला था 13 मॉर्निंग को भी आना है। यार ऐसा मत करो, अभी कल वाला दिन कर जाओ। बोलिए अब गुड गुड मॉर्निंग तो बोलिए। मैं तो सच्ची कला बड़ी गंदी नींद आ रही है। गुड मॉर्निंग तो बोलिए। चूहे की हरकत हो जाती है, ये देखो ये चूहा है भाई यहाँ। अब देख लो, मतलब ये देख यहाँ भी है, ये देखो ये है, ये है, फिर आपको दिखाएं एक यहाँ जैसे भी है यार, बहुत बड़ा। ये देखो ये हैं, ये कितने कितने बड़े बड़े बिल बना दिए इसने। और अभी भी मतलब वो किचन में ना अभी भी ऐसे ऐसे ठुंके मारता रहता है। ये हमारा शाही सिस्टम ख़त्म हो गए हैं, देखो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ मुड़िए, गुड मॉर्निंग कीजिए दोस्तों को। कहाँ जा रहे हैं यार? मेरे से भी पहले कहाँ जा रहे हैं आप? किससे मिलने जा रहे हैं आप? हैं भाई, हम टाइम के पंचुअल हैं। टाइम के पंचुअल क्या? 10 बजे ऑफिस है आपका? 9 बजे इससे हैं। 9 तो 9 बजे वाला मैं ही नहीं गया। ये चला गया अपने हाथों पैरों से। इसके घर वाले अगर देख रहे हैं ये, तो कृपया अपने बेटे की तरफ ध्यान दें। कल भाभी जा रही है, आपको नई बात बताएं तो ये आज का शाही खाना। शाही बनवाया था शाम को। भाभी आज कुछ शाही बना देना, अच्छा वाला ना, जो है ना बड़ी से बन जाए। कुछ अच्छा बना देना आज रात को, शाम को, कल तो चल जाना आपने। आज के दिन का आखिरी खाना हमें नसीब होने लगा है, इसके बाद क्योंकि कल से ऐसा है कि कल से भाभी नहीं आ रही है। भाभी जा रही है लंबी छुट्टी पे और हम लोग मायूस हैं, क्योंकि आज खा लेते हैं कुछ अच्छा। तो ये तैयारी हो रही है, इसके साथ आज बनेगी मक्की की रोटी। अरे बड़का नहीं यार, ये नहीं, बड़का जी हमारे आ गए हैं। पापड़ खाइए, इस बंदे ने अकेले खा लिया, हम भी अकेले खाएंगे। माना कि भाभी आज आपका आखिरी दिन है, तो क्या मतलब प्याज सारे खत्म ही कर जाने? आखिरी के दिन है मतलब आना भी, चलो जो भी है। भाभी को सर्दियों की छुट्टियां पड़ने लगी हैं। वाह, खत्म। बस दिल्ली यही काम किया था इन्होंने। पर नहीं नहीं, काफी बड़े नहीं लगे आपको? भी इसको थोड़े छोटे कर दो। नहीं, मेरे पास लुक समय से है, पर मेरे को काम ही तो लग रहा है यार। हमारे बब्बू मान साहब की कोठी चमक रही है ना, बाहर पुलिस वाले हैं। बस इससे थोड़ी दूर पे रहते हैं हम बब्बू मान साहब के नेबर्स हैं, गुआंडी। ये फिर से बन रही है मक्की की रोटी, और इसमें आटा नहीं लगाते भाभी, पानी लगाते हैं। आटा नहीं लगाते हैं। आज खाएंगे शाही खाना, इसके बाद पता नहीं, इसके बाद मिलेगा हमें 1 दिसंबर को। मैं कहां तेरी यादों में। हमारे अभी जी आ गए हैं अपनी फॉर्म में, कड़ी लगी है बनने। बेसन डाला? नहीं, बिना बेसन वाला थोड़ा सा। अच्छा, आज बिना बेसन के बनने जा रही है कड़ी आपके सामने। देवी और सज्जनों, अब से हम लोग ही बनाएंगे खाना और कोई नहीं बनाएगा, पर अपने लिए ही बनाएंगे। जिस हिसाब से शर्मगिरी है ना सारी की, खाने की बार सभी आ जाते हैं, कमाने की बार कोई नहीं आता है। आप देखो कल से, ये देखिए चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। दो रोटियां गायब हो गई हैं हमारे इससे। लजीज खाना, लजीज खाना मैं और अभी खाने लगे हैं। और ये है
मूंगफलियों के छिलके जो खा के हमने, और ये है स्वीडिश। तो आइए खाइए, बत्ती बुझाइए और सो जाइए। अभी हम लोग जा रहे हैं सूरज को रोटी देने। रोटी महंगी पड़ रही है, दूध देखिए। ये बंदा कच्चे में आया है, इसने जैकेट डाली है, और यहाँ देखिए चटनी मारता है प्रवाह। थैंक यू। इस बंदे के पीछे यार देखो, ठंड में भाई ये ना रोटी गर्म कर रहा है ना। हैं टूटी भी लग गया, शर्म कर थोड़े से। टीपी में लगा हुआ है, देखो पहली परफॉर्मेंस। अच्छा इतनी बड़ी बिल्डिंग है, टीपी लग गया तू है। हाँ। अरे हो जरा। अच्छा बड़ा तू इंजीनियर, तू इंजीनियर हो गया, तू पहली परफॉर्मेंस में काम कर रहा है। पूरा सही चक में घुमा, अचार विच खौफ यार दा। ये जी 80 वाला 40 वाला टमाटर 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 चलो 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 पहले ली टमाटर 40 रुपये टमाटर आ जाओ। फिर हमें बोला जाता कि मर्दों की जिंदगी में स्ट्रगल नहीं होता। ये देखो ये स्ट्रगल नहीं है तो और क्या है यार। देखो मंडी खुद आना है, हमारी जिंदगी में कितना स्ट्रगल है आपको क्या पता, किसको क्या पता है। स्ट्रगल भरी जिंदगी में देखो, सूप पी रहे हैं जबाई पे जलते जलते इतने ज्यादा सामान के साथ। ये बंदे राशन लेके आए और इसको देखिए, अगर ये चूहे ने काटा होगा फिर बीमार नहीं हो सकते हम। भले लोगों को पता नहीं है, दालें देखो कैसे, ये देखो दाल लेके आए ये इस दाल में, ये देखो है ना कितनी छोटी छोटी, ये देखो इस दाल में और इस दाल में साबुत है, ये साबुत है और ये थोड़ी सी पतली है, इनको फर्क नहीं यार, पता है नहीं। और ऐसे बलाती बने हुए हैं, बकवास करते हैं। फिर इसी के साथ आज के इस व्लॉग का एंड यहीं हो रहा है। कल से हमारी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, कल से हमें और ज़्यादा काम हो जाएगा। आज थक गए हैं यार बहुत ज़्यादा, ये भी थक गए हैं क्योंकि आज सामान बहुत था, अभी वो सब्जी वगैरह भी लेके आए हैं, अभी थोड़ी रील रूल की तैयारी चल रही है तो यार थोड़ा टाइम लग रहा है। पर मैं सोच रहा हूँ, हाँ कल से हो सकता है, दोस्त भी आ सकते हैं, बापू आ सकता है, दोस्त भी आ सकते हैं, मतलब कल से हो जाएगा कुछ ना कुछ सस्पेंस। हाँ इनके लिए भी सस्पेंस है। बाकी आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। बाकी तब तक के लिए जय श्री राम।